सेकुलर आइडियोलॉजी है, कई जो तमाम घटक दलों के आपके, वो आइडियोलॉजी है, उससे किस तरह कम्पीट करें? क्योंकि आप आरोप लगाते रहे, आपकी तरफ से आरोप लगते रहे कि जिस तरह अभी लगा रहे थे आप, तुष्टिकरण की नीति अपनानी रही है कांग्रेस, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि वहां पर भी आपका गठबंधन, आंध्र में भी अभी नए सीएम बने हैं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, और वहां पर 4% आरक्षण की योजना लागू करनी है, वादा किया था उन्होंने मैनिफेस्टो में। उसके अलावा तमाम जो मुस्लिमों के लिए योजना है वहां पर, तो उनको भी करना है, और आपकी तरफ से भी बीजेपी की भी कुछ योजनाएं पता चली है मुझे कि जो मदरसों को लेकर कुछ नई योजना पीएम मोदी लेकर आ रहे हैं, तो फिर दोहरा चरित्र या दोहरी बातें क्यों? लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, जो जिस तरह का जवाब दे रहे हैं शरद जी, उससे आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह बोल रहे हैं कि वो हमारी जो शरद जी की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। शरद जी को पता है कि अभी देश के अंदर हालात क्या हुई, के ये कह रहे थे 400 पार जनता ने नहीं। आप लोग जरा जाओ देखिए, आप ईवीएम के ऊपर ढिंढोरा पीट रहे थे, वो सवाल आपका कहां गया? क्या हुआ कि आपने ईवीएम को एक क्लीन चिट दे दी? क्लीन चिट दे दी क्या आपने चुनाव में? नवल जी, क्लीन चिट दे दी क्या आपने ईवीएम को? या अभी भी संदेह है? नहीं नहीं, क्लीन चिट नहीं दी, बेसिकली मैं कह रहा हूँ ये कह रहे थे 400 पार। आप मुझे बताइए क्या कह रहा था? कांग्रेस के कई लीडर्स अभी भी कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है, नहीं तो ये 150 बीजेपी, जहां पर मुकाबला कड़ा था, हमारा मूल वोट बैंक, हमारा मूल वोटर चुनाव स्टैंड पे वोट करने नहीं गया। इन सब मुद्दों पर पार्टी अपने स्तर पर रेक्टिफिकेशन करेगी, जहां कमी रही उसे सुधारा जाएगा। संगठन में शक्ति है, ये बात कोई संगठन करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। यूपी में इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, क्या मानते हैं शरद जी? यूपी में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया आपको? यूपी में तो आपका सबसे ज्यादा दावा था, और यूपी के जरिए एक माना जाता है कि जो संसद का जो रास्ता है, प्रधानमंत्री की जो सीट है, गद्दी है, उसका कनेक्शन सीधे यूपी की जो सीटों से जाता है। फिर आपने किस तरह क्या लापरवाही कर दी, या फिर आपने कोई अति आत्मविश्वास में रह गए, और अभी इतना, अभी चुनाव परिणाम आ गए, प्रधानमंत्री चुन लिए गए, अभी तक आपको थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इल्म हुआ होगा इस बात का कि हम ये लैकुना रह गया, ये कमी रह गई। इस बात से कोई संकोच नहीं है कि सत्ता तक जाने का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। पूर्व की दोनों मोदी जी की जो सरकार रही, उसमें यूपी का शानदार प्रदर्शन रहा, और आप मान के चले राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश किन्हीं कारणोंवश, या तो हमारे जो चयनकर्ता थे, जो हमारे कैंडिडेट बनाए गए, वो जनता के पास अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, या किसी ना किसी प्रकार का कोई गैप। आप तो कांग्रेस का सफाया कर रहे थे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे थे देश में, और यूपी में तो कांग्रेस थी नहीं, बहुत कम सीटें थी वहां, तो बढ़ गई कांग्रेस कांग्रेस की सीटें बढ़ी है यूपी। समाजवादी पार्टी ने जो हिंदू कार्ड खेला, कई उन्होंने सीटों पर हिंदू लोगों को जो टिकट्स दी, उन्होंने जो वोट्स को डिवाइड करने की नीति करी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मूल वोट बैंक जो था वो भ्रमित हुआ। मतलब आप हिंदू को कार्ड समझते हो जिसका नुकसान हमें हुआ? हिंदू को कार्ड समझते हो क्या? हिंदू कोई कार्ड नहीं है, हिंदू हमारी को आस्था है, हमारी जाति है, हमारा धर्म है, हिंदू कोई कार्ड नहीं है। हाँ, ये कार्ड वाली बात से मैं भी असहमत हूँ, बात बात पर जो धर्म को कार्ड से जोड़, लेकिन आगे कार्ड जोड़ दिया जाता है, हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, दलित कार्ड, वो समाजवादी पार्टी ने किया है। हिंदुओं को आप सिर्फ यूज कर रहे हो कार्ड के, कार्ड खेलने का जो कार्य किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है। तो माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए, मैं भी हिंदू, मैं भी आता हूँ। नहीं भाई साहब, माफी की इसमें आपने भारतीय जनता पार्टी सब कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी ने समय समय पर हिंदुओं का हनन किया है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म विशेष के ऊपर उठकर देश को नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों का सोचा है। 1984 में आपकी पार्टी ने क्या किया? आपने सिखों का कत्लेआम करवा दिया, आपने सिखों का कत्लेआम करवा दिया 1984 में पंजाब में, आपने साथ की साथ में कहा कार्ड समझते हो आप हिंदू, आपने
पंजाबियों का पंजाबियों का दिल्ली में पंजाब में कत्लेआम करवाया, आपके बड़े नेता ने ये बयान दिया था, उनको बयान दिया था कि बड़ा घर गिरता है तो धरती हिलती है, विजय जी वो बयान दिखाए आप अभी, इन्होंने इन्होंने कत्लेआम करवाए हैं, इन्होंने किसी धर्म को नहीं छोड़ा है, इन्होंने धर्म की राजनीति करी है। आप सभी हिंदुओं को काट समझ रहे हो, निश्चित तौर पर धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति, कार्ड की राजनीति, कार्ड की राजनीति कांग्रेस करती आई है। आप मुझे पूरे देश के हिंदुओं से माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदुओं के साथ जो अत्याचार आज तक हुए, आपकी पार्टी ने कभी उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? शरद जी, कांग्रेस सरकार में, शरद जी सरकार में, मैं इस बात को मानता हूँ। विजय जी, आप एक डिबेट रखें जिसमें आप कांग्रेस की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातीय आधारित क्राइम कहां कितना कितना हो रहा है उसे जाहिर करें, स्पष्ट करें। माफी मांगने की कोई बात नहीं है। आप 1984 में माफी मांगे, आप 1984 में माफी मांगे, जनता के साथ किया पूरे नॉर्थ इंडिया में, आपको हिंदुओं से आप 1984 पे माफी मांगे, हमारा धर्म है, हमारा संस्कृति है, आप 1984 पे माफी मांगे, ये आपके नेताओं की भाषा बोल रहे हो, आपके प्रधानमंत्री जी आपको ये कहते हैं कि हिंदुओं को काट समझो, ये आपके पार्टी के पदाधिकारी संजय सूरी जी की किताब है, संजय सूरी जी की, इसे पढ़िएगा, आपको पता लगेगा 1984 में क्या हुआ था। जिसको देश मैं गंगानगर में रहता हूँ, पंजाब से सटे क्षेत्र में रहता हूँ, बहुत से परिवार ऐसे रहते हैं, महात्मा गांधी हमारे पूजनीय है, आप हिंदू की बेइज्जती कर रहे हो मेरी बात से। अब आपकी बात भी ऑन रिकॉर्ड है, नहीं ऑन रिकॉर्ड, आप इसमें भी और हमारी बात भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए हमारी पार्टी, नवीन जी, नवल जी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी स्पष्ट है कि इस देश का बच्चा बच्चा सुरक्षित होना चाहिए, आपका परिवार, हमारा परिवार, विजय जी का परिवार और समस्त लोग जो इस देश में रहते हैं। इस देश में 7 लाख करीब तो गांव हैं, जो हमारा देश है गांव में बसता है, गांव के लोगों के उत्थान का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, उन तक बिजली पहुंचाई, उन तक सड़कें पहुंचाई। हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री हमेशा देश का होता है, बिल्कुल बिल्कुल देश का होता है, पार्टी का नहीं होता प्रधानमंत्री। और हमारे राजीव गांधी जी ये कहते थे कि हम अगर 1 रुपया दिल्ली से किसी क्षेत्र में बेचते हैं तो हमें बड़ा दुख है कि मात्र 10 रुपए 10 पैसे ही वहां पहुंच पाते हैं आम जन के पास। शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हो, आप देश का होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री को भी ये सोचना होगा कि देश का प्रधानमंत्री किसी को कम्युनल लैंग्वेज में किसी को बांटने की कोशिश नहीं करे। लोकसभा चुनाव के दौरान अलग अलग मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जो बयान दिए थे, कहीं पर जातियों को लेकर उन्होंने खेल करने की कोशिश की, कहीं पर हिंदू मुसलमान किया, और ये सारी जनता ने देखा है, वीडियोस हमारे पास भी उपलब्ध है इस तरह के। आप प्रधानमंत्री जी ने खेल किया है तो विकास का खेल किया है, और प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ से इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने 542 फ्लैटों की चाबियां भी दी। वो सभी मुस्लिम बहनों का, मुस्लिम भाइयों का सम्मान करती हैं, सभी धर्म गुरुओं का अपने निवास पर, जो प्रधानमंत्री निवास है वहां मान सम्मान और स्वागत भी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया समय समय पर, सबको साथ लेके कैसे। आज की मौजूदा हालत बताता हूँ शरद जी, कई जो बीजेपी के लीडर्स हैं, डिबेट की अलग बात है लेकिन डिबेट के अलावा ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे मिलते हैं, बीजेपी के कई लीडर्स मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि जैसा भी हुआ ठीक है, कम से कम कमेंडेड मिला है ना, तो अभी हमारी पूछ होगी। कार्यकर्ता नाराज है आपका, भारतीय जनता पार्टी का, छोटे कार्यकर्ता को अवसर नहीं मिला, और कहीं ना कहीं अभी भी देख लीजिए आप, जो पहली लाइन के जो मंत्रिमंडल में जो किचन कैबिनेट है उसके उसका वही स्वरूप है जो पहला था, उसमें नए लोगों को अवसर क्यों नहीं मिला? अर्जुन राम मेघवाल का नाम इसलिए ले रहा हूं, वहां के लोग ही ये कह रहे हैं कि वो 2 बार मंत्री रह चुके हैं, अच्छी तरह उन्होंने कार्यभार संभाला है, ईमानदार व्यक्ति है, तो फिर उनको दोबारा अवसर क्यों नहीं मिला, उनको कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिली? कैबिनेट में वही जो पहले जो मंत्री थे वही चेहरे।
पार्टी संगठन के पास बहुत बड़ा कार्य होता है, बहुत बड़ा कार्यभार होता है, देश को संभालना होता है। आप तो अभी थोड़ी देर बाद ये भी कहेंगे कि अनुराग ठाकुर जी को मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल कहता मैं, अनुराग ठाकुर को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? कहीं ना कहीं कोई नाराजगी थी अनुराग ठाकुर से, उनके बयानों को लेकर के, उनके कोई फैसलों को लेकर के। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखिए यही हमारे संगठन में शक्ति है, किस कार्यकर्ता मंत्री। तो स्मृति ईरानी भी दोबारा बनना चाहती थी चुनाव हारने के बावजूद भी, इस तरह की बातें सामने आई। मंत्री तो दोबारा स्मृति ईरानी भी लाइन में लगी हुई थी, मंत्री कौन नहीं बनना चाहता? जो मुख्य धारा में नेता जुड़े हुए हैं या पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं वो भी चाहेंगे कि संगठन में कहीं ना कहीं स्थान मिले। लेकिन नवल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, नवल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन आवाज, आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच रही है। ऐसी कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेगा कि उसे पद से कोई लोभ है, लेकिन हमारी संगठन में ये रिचनेस है कि आज एक मूल कार्यकर्ता निचले स्तर पर बूथ पर भी कार्य कर सकता है। और एक प्रचारक को जब माननीय अटल जी मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव, गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय देते हैं। आपका लोकसभा चुनाव की राजस्थान की बात करता हूँ शरद जी, राजस्थान की बात करो, राजस्थान में आपके जो बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे वो हतोत्साहित नजर आए इस बार लोकसभा चुनाव में। चाहे आप किरोड़ीलाल मीणा को ले लीजिए या फिर कई और जो बड़े लीडर्स को ले लीजिए जिन्होंने खुद ने चुनाव लड़ा, गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव तो लड़ लिए लेकिन फिर भी उनके सामने जो कांग्रेस का जो दिग्गज चेहरा था उससे कहीं ना कहीं उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा विकट नजर आ रही थी। कैलाश चौधरी चुनाव हार गए तो पहले से ही घबराए हुए थे कई बड़े लीडर्स। अभी जो किरोड़ीलाल मीणा है उन्होंने तो इस्तीफा भी देने के दावा कर दिया था क्योंकि उनको पहले से डर लग रहा था। ये कहीं ना कहीं पहले से ही जो इसको क्या माना जाए कि ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी या फिर के उनके मन में कोई घबराहट थी कि मुझको पहले से ही कहीं से वहां से आला कमान से डांट पड़े उससे पहले ही कह दो, उससे पहले इस्तीफे की बात कह दो। विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था या जैसा वोट परसेंटेज शेयर रहा था उसको हमारी पार्टी अगर मैनेज नहीं कर पाई तो ये हमारे संगठन तौर पर कमी जरूर रही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 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 पीछे होगा, कहीं ना कहीं एक बात जरूर मेरे को बूथ तक मजबूत है, हम बूथ कार्यकर्ता तक संपर्क करते हैं और जहां भी जो भी कमी संगठन में जिस रूप से रही है उसका रिव्यू भी चल रहा है, उसका डैमेज कंट्रोल भी चल रहा है और आने वाले जिला परिषद चुनाव में आप देखिएगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपने लोगों को जिताकर लेके आएगी। बड़े चेहरे जिताऊ चेहरे, चेहरों पर दांव नहीं खेला कई सीटों पर आपने जो लोकसभा चुनाव के दौरान मनमानी की, कई ऐसे कमजोर कैंडिडेट्स उतार दिए। दौसा में ऐसी स्थिति देखने को मिली, दौसा में ये कहा गया, मैं ऑफ द रिकॉर्ड नहीं ऑन द रिकॉर्ड बोलने को रेडी हूं कि ये बात पहले से आ रही थी कि जो कन्हैयालाल मीणा को दौसा में टिकट मिला तो ये फीडबैक आ रहा था कि बहुत कमजोर कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया। बड़े चेहरे थे, कई बड़े चेहरे हैं जिन पर दाव खेला जा सकता था लेकिन आपने ऐसा किया। वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जिसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा, हालांकि वसुंधरा राजे ने अपने बेटे का तो टिकट चुनाव जितवा लिया लेकिन धौलपुर में जो स्थिति हुई, धौलपुर में वसुंधरा राजे मंत्री भी बन सकता है, एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री भी बन सकता है। बूथ स्तर पर आपने जो काम किया, बूथ स्तर पर जिस तरह आपने काम किया वो बूथ स्तर पर काम दिखा नहीं इस बार शरद जी, क्योंकि आपको जो जोड़ तोड़ जो बाकी गुणा भाग लगाया वो सही तरीके से सांचे में बैठा नहीं। देश में 23 करोड़ से ज्यादा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया विजय जी, 23 करोड़ से ज्यादा, मगर बाकी जनता आपके खिलाफ है, बाकी जनता आपके खिलाफ है, सिर्फ 23 करोड़ लोग आपके, बाकी पूरे देश के लोग आपके नहीं। वोटिंग कितनी हुई, टोटल वोटिंग कितनी हुई विजय जी आप मुझे बताएं? 241 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इनको वोट दिया, बाकी देश के 142 करोड़ में से 23 करोड़ लोगों को निकाल दो, बाकी लोगों का कोई वास्ता नहीं है। कोई 142 की तो कैसी कि 23 करोड़ लोग सिर्फ आपके 142 करोड़ की तो वोट ही नहीं बनी हुई है, 23 करोड़ लोगों को अपना बताते हो, बाकी कहां जाएंगे देश के लोग? सिर्फ 23 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जी है, बाकी लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री 140 करोड़ के हैं,
वोटिंग कितने लोगों ने दी, उसमें से 23.5 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। कैसे मुद्देहीन बात कर रहे हो आप शरद जी, मेरी बात। एनडीए की वोट शेयर देखेंगे ना, एनडीए का वोट शेयर देखेंगे, क्योंकि पहले तो दो बार से क्लीन स्वीप हो रहा था, लेकिन अब आप आगे इसको। सर राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ जुमले और दिखावा और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि हमें जाना है कांग्रेस के लोगों के साथ। कांग्रेस के नेताओं में आस्था है और कांग्रेस की जो हमारी बनाई थी, देखिए कांग्रेस की आगे मेंटेन किस तरह का रखे आप ये बताओ, क्योंकि आपके अंदर भी पहले से ही फूट रही है कहीं ना कहीं। जो सचिन पायलट और गोपाल जो अशोक गहलोत का मामला किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल सामने रही है, चौड़े में लड़ाई हुई है और अभी भी अंदर खाने काफी, अब तो पहले दो टुकड़े थे, तीन गुट बन गए हैं। नहीं जो आपकी नवल जी, शरद जी एक मिनट, नवल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपने 8 से 11 सीटें, 8 तो कांग्रेस की और कुल 11 सीटें गठबंधन के साथ जीती, ये इसको आप अपनी जीत मानते हैं या फिर आपको वोट दिया है ये जनता ने, या फिर बीजेपी से नाराज होकर आपके काम के लिए दिया है, बीजेपी से की नाराजगी को वोट दिया है, क्या मानते हैं? बीजेपी की नाराजगी नहीं, कांग्रेस के अच्छे सुशासन को वोट दिया जो 3 महीने में जो सरकार ने, तो विधानसभा चुनाव में क्यों हार गई पहले विधानसभा में? कांग्रेस की योजनाओं को वोट दिया है, लोगों की नियुक्ति की जाती है, पेपर लीक किए जाते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यहाँ का युवा भ्रष्टाचार महसूस करता है। ज्यादा भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी में नहीं है, बीजेपी वो भ्रष्ट पार्टी है जो कि वहाँ वॉशिंग मशीन में डालो और सब साफ हो जाते हैं। बीजेपी से बड़ी भ्रष्ट पार्टी नहीं है। आप पीएम केयर फंड का घोटाला देख लीजिए, कोयला स्कैम, तमाम स्पेक्ट्रम स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम, पत्थरबाजी के लिए फंड देने का स्कैम, 2G घोटाला, 2G घोटाला, जयपुर के महलों से लूट कर ले जाना, बिल्कुल ये सब आपने कांग्रेस के पहला अग्निवीर है सुरेंद्र पाल टीटी जी, आपके अग्निवीर योजना राजस्थान का पहला अग्निवीर है सुरेंद्र पाल टीटी, जिनको आपने जीतने से पहले मंत्री बना दिया। जनता से आते हैं हमारे बड़े प्रसिद्ध नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और किसान नेता के रूप में वो अपनी पहचान रखते हैं। आप अग्निवीर ने, आप अग्निवीर उन्हें अग्निवार नेता कहकर आप हमारे आर्मी वालों का सम्मान कर रही हैं भाई साहब। अग्निवीर योजना हमारे आर्मी के जवानों के लिए है। अग्निवीर को आप आर्मी कह रहे हो, आपने शहीद का दर्जा दे रहे हो अग्निवीर को, आपका शहीद का दर्जा है, आप बताओ ऑन रिकॉर्ड बताओ, आर्मी का मतलब शहीद, आर्मी का मतलब शहीद, का मतलब यदि दर्जा मिलता है वही आर्मी का मतलब है, वो लड़ाई लड़के घर आ गया उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा। आप सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का जो मुद्दा इसमें उलझा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मात्र 11,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी करनपुर का चुनाव प्रभारी थी, मंत्री बनने के बाद मात्र 11,000 वोट, मात्र हमारे सीपी जोशी जी आ रहे थे, मात्र एक वोट से, मात्र एक वोट को बोलते हैं 11,000 को मात्र नहीं मिलते। विजय जी बताओ 11,000 इधर का उधर होता है, सिर्फ एक वोट को मात्र बोलते हैं जो हमारे सीपी जोशी आ रहे हैं। आप जन भावना है, जन भावना देखनी पड़ेगी आपको, जन भावना देखनी पड़ेगी आपको कि किस तरफ है। अगर आपका जन भावना कांग्रेस के साथ है, नवल जी कांग्रेस फेल कैसे हो गई विधानसभा चुनाव में? फिर योजनाएं तो अशोक गहलोत बहुत लेके आए थे, काफी अच्छा कैंपेन दिखाया था सब जगह, हर होर्डिंग पर, हर दीवार पर अशोक गहलोत छाए हुए थे, फिर कैसे? बीजेपी की आईटी सेल ने जनता भ्रमित हो गई, लेकिन जनता लोकसभा, वो तो ये अभी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने झूठा प्रचार किया आरक्षण खत्म करने का। जनता शिक्षित जनता है, राजस्थान में जनता पढ़ी लिखी जनता है, आप भ्रमित कैसे कह सकते हैं जनता को? बिल्कुल पढ़ी लिखी जनता, इसलिए आपको हर का दिखा दिया राजस्थान की, राजस्थान में ये तय हो गया राजस्थान में कांग्रेस। अच्छा नवल जी एक सवाल, आपका राजस्थान में कौन है लीडर जो आपकी लीडरशिप कर रहा है? राजस्थान में कांग्रेस का लीडर कौन है मौजूदा लीडर? हाथ का सिंबल मेरा लीडर अशोक गहलोत सिंबल, अशोक गहलोत आपके लीडर नहीं रहे, अशोक गहलोत आपके लीडर नहीं है, लीडर है
किसको आप ये चल रहा है इस तरह की है जिसने गरीब जनता का निवाला छीन लिया। अभी जो बातें चल रही है अंदर खाने की खबरें आई है, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी लंबी रेस चल रही है, कई ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको जो किसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पीसीसी चीफ बनने के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने अच्छा काम किया। गोविंद सिंह डोटासरा को किस कुर्सी पर क्यों दाव खेला जा रहा है? क्यों उसने बोला कुछ बिल्कुल चल रही है अंदर खाने खबरें चल रही है कई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चेंज होगा, बीजेपी वाले अपनी अपनी छुपाने हम लोगों ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बीजेपी का तो माना जा सकता है, बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, क्लीन स्वीप का दावा था। ठीक है, आपने तो बेहतर किया, गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत अच्छा अच्छी मेहनत की थी और जिन सीटों मेहनत की थी वहां पर जीत भी दिलाई। दिल्ली दरबार की हाजिरी नहीं भरी उन्होंने, दिल्ली दरबार की बात नहीं मानी, राहुल गांधी की बात नहीं मानी है उन्होंने, इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इनकी सुप्रीम पावर राहुल गांधी ही है, इनकी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। ऐसा है, बताओ जो दिल्ली दरबार की हाजिरी भरेगा उसी को ये महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। आप हिंदू कार्ड खेल नहीं पाएंगे, हिंदू की आस्था के साथ पाएंगे, आप धर्म के साथ भगवान राम के साथ नहीं खेल पाएंगे। भगवान राम ने आपको बिल्कुल भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और जनता को गंदा करते हो तो भगवान राम भी तुम्हारे साथ चलिए। लंबी डिबेट, ये डिबेट लंबी हो जाएगी और आगे भी इस तरह की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश का दुर्भाग्य रहा है तमाम जो राजनीतिक दल आते रहे और उनके उन्होंने शासन भी किया, लेकिन सबसे बड़ी जो आज भी जो चुनौतियां बनी हुई है देश के लिए वो है महंगाई, गरीबी और रोजगार। इसको लेकर कहीं ना कहीं वादे तो किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन बैकफुट पर आ जाते हैं जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और सत्तासीन सरकार। ऐसा क्यों होता है? पीएम मोदी ने भी 2 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, तीसरी बार वे प्रधानमंत्री बने हैं और इस बार उनको न केवल विदेशी दौरे करने चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, जाति धर्म इनसे ऊपर उठकर अब एक नई सियासत को जन्म देना चाहिए जो देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करे, क्योंकि देश में लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरती है इसकी और पूरे विश्व पटल पर इसे जाना जाता है और पहचाना जाता है। तो इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए यहाँ के युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को और तमाम जो दल हैं उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है, तमाम योजनाओं को, ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर अगर ऐसा होगा तो गठबंधन की सरकार भी चल जाएगी और फिर कोई दूसरे विकल्पों की भी बात नहीं होगी, क्योंकि जनता चाहती है कि आम आवाम को जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें हैं वो मिलती रहे और देश का विकास हो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर। फिलहाल हमारे जो तमाम जो मेहमान हैं उनका मैं शुक्रिया करता हूं, हमारे साथ जुड़े हुए थे शरद अग्रवाल जी बीजेपी से, कांग्रेस से नवल नीमावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।